नमस्कार, आप देख रहे हैं ONI न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। ISBT के पास एक नर्सरी संचालक ने आरोप लगाया कि उसका 2020 तक निगम का BDA से अनुबंध था, लेकिन हिटलर शाही अफसरों ने संचालक को बगैर नोटिस दिए एकाएक ताले तोड़ लाखों रुपए के पेड़ पौधे जब्त कर जबरन ले गए। राजधानी भोपाल में नगर निगम के अधिकारियों की तानाशाही बढ़ती ही जा रही है। ऐसा ही नजारा ISBT के पास एक नर्सरी संचालक के साथ देखने को मिला। नर्सरी संचालक ने आरोप लगाया कि उसका 2020 तक निगम से अनुबंध था, लेकिन हिटलर शाही अफसरों ने संचालक को बगैर नोटिस दिए एकाएक ताले तोड़ लाखों रुपए के पेड़ पौधे जब्त कर जबरन ले गए, जबकि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश होता है कि बारिश के समय किसी की रोजी रोटी या घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन राठौर का कहना है कि मैंने खून पसीने से अपना व्यवसाय जमाया था, एक पल में पूरा मेरा व्यवसाय और मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या ऐसी ही नगर निगम के आला अधिकारियों की गुंडागर्दी चलती रहेगी? अब वो समय दूर नहीं है कि इन तानाशाह अधिकारियों के कारण भाजपा सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है ना, और उन्होंने ताला तोड़ दिया है और गाड़ी लगवा दी पांच से। जी नाम बताएं आपका? राम प्रकाश राठौर। राठौर जी, आपकी नर्सरी पे छापामार कार्रवाई हुई, क्या कारण है यहाँ? कारण कुछ नहीं है, मेरा कोर्ट मैंने 2005 में PDA से अलॉटमेंट दिया था, कानूनी तौर पर उन्होंने मुझे कब्जा दिया, उसके एवज में मैंने 8 से 10 लाख का इनको काम करके दिया। इन्होंने 2020 तक मुझे इसका एग्रीमेंट करके दिया है। कोर्ट में 2013 से केस चल रहा था, बिना कोई नोटिस बिना कोई सूचना के आज नगर में हमने आकर के लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, फ्री में पौधे भर भर के ले जा रहे हैं। इसका मुझे कोई सूचना कल शाम को आए, उस समय इन्होंने गाड़ियों से लगते और गाड़ियों से लगते आपको कोई सूचना नहीं दिया? कोई सूचना, कोई लेकिन सूचना नहीं। कह रहे थे तुमको एक हफ्ते का कितने लाख का माल आपका यहाँ पे जब्त कर रहे हैं? 10-12 लाख का माल, 10-12 लाख से ज़्यादा। इनका एग्रीमेंट है आपके पास? हाँ, मेरे पास एग्रीमेंट, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के थ्रू ताला डाला हुआ था गेट में। किस अधिकारी के थ्रू यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? JDO के थ्रू कार्रवाई की जा रही है, JDO ऑफिसर। लगता है आपको भाजपा के शासन में तानाशाही रवैया है? 100%। मैं मूल रूप से भाजपा ही आदमी हूँ, भाजपा का सपोर्ट करने वाला आदमी हूँ। आज भाजपा के लोगों द्वारा मुझे सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में आए दिन बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इसी के तहत हनुमानगंज थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजधानी में आए दिन बदमाशों की धरपकड़ जारी है। ऐसी ही घटना हथियारबंद बदमाश सिटी रोड पर एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार हुए पुलिस महानिरीक्षक धर्मेंद्र चौधरी के आदेश के बाद
पुलिस हरकत में आई और हनुमानगंज थाना प्रभारी सुदेश तिवारी के नेतृत्व में टीम बनाई, जिसमें चार ईरानी समाज के शातिर बदमाशों को एरो सिटी रोड पर डकैती की योजना बनाते हुए हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम अली राजा अकरम हैदर अली को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। थाना हनुमानगंज थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसे डकैती की पेट्रोल पंप डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा है। ये गिरोह अंतर्राज्यीय गिरोह जो है, ये नकबजनी चोरी लूट ठगी जैसी वारदातें करता आ रहा था, इसको उसको पकड़ा गया। ये घटना 11-12 की दरमियानी रात की है। पुलिस को, गांधीनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसा एक गिरोह रिलायंस पेट्रोल पंप जो कि एरो सिटी रोड के पास है, उसके सामने मैदान है, वहाँ पर एकत्र होकर योजनाबद्ध तरीके से हथियारबंद है एवं डकैती की योजना की उस पेट्रोल पंप पर तैयारी कर रहा है, जिस पर एक संयुक्त टीम हनुमानगंज पुलिस का स्टाफ एवं गांधीनगर का स्टाफ इकट्ठे होकर जाकर इस गिरोह को पकड़ा गया। ये चार सदस्यीय गिरोह है जो पुलिस की गिरफ्त में आया। इससे पूछताछ करने पर कई घटनाएं जो हैं भोपाल की, जो कि चोरी नकबजनी लूट आदि की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। 399-402 IPC एवं 2527 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई थाना गांधीनगर में की गई। अभी तक जो पुलिस रिमांड पर इनको लेकर पूछताछ की गई और जो रिकवरी गांधीनगर पुलिस द्वारा की गई है, उसमें गांधीनगर के पुराने 5 नकबजनी के मामले हैं जो प्रकाश में आए हैं, जिसमें बरामदगी मशरूकी की हो गई है। एक चेन स्नैचिंग लूट का मामला था, वो भी मिल गया है। इसके अतिरिक्त जो पूछताछ पर तथ्य सामने आए, उससे इनका जो दायरा है घटनाएं करने का, ये बहुत सारे स्टेट्स में मूव करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कई जिलों में इनके मूवमेंट की जानकारी मिली है, जहां पर जाकर ये घटनाएं घटित कर रहे हैं। जिसमें अभी भोपाल के भी कुछ थाने हमारे हैं, जैसे परवलिया है, जहाँ की एक लूट की घटना जो है, घर के अंदर प्रवेश कर इन्होंने लूट की घटना कारित की थी, उसके बारे में खुलासा अभी होगा आगे, उसमें रिमांड लिया जा रहा है। निषादपुरा की भी 2 घटनाएं हैं, एक धोखाधड़ी की घटना है और एक नकबजनी की घटना है। ये 2 घटनाएं वहाँ की, इसके अलावा अन्य पुलिस स्टेशन भी हैं, कोयबजा है जहाँ से कुछ घटनाएँ हुई थी, उसके बारे में भी ऐसी संभावना है कि वहाँ की कुछ घटनाओं का इसमें खुलासा हो सकता है आगे। आज पुलिस रिमांड निषादपुरा पुलिस इसमें प्राप्त कर रही है आगे की पूछताछ के लिए, और हमें अन्य घटनाओं के ट्रेस होने की संभावना इसमें स्पष्ट रूप से भी परिलक्षित हो रही है। इसके अलावा बाहर की पुलिस जो है, फरीदाबाद की पुलिस है, उसके द्वारा भी ऐसा बताया गया है कि वो भी इसका रिमांड प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ भी घटनाएं की है। देवास और नागपुर, यहाँ पे भी इनके द्वारा कुछ घटनाएं की गई हैं जो प्रकाश में अभी आई हैं। संबंधित सभी स्टेट्स में जानकारी दे दी गई है और विभिन्न राज्यों से अलग अलग जिलों की पुलिस हमसे संपर्क कर रही है, और इसमें आगे जो भी है पूछताछ की, पतारसी की और जो भी बरामदगी इसमें होनी है, उसकी कार्रवाई लगातार होती रहेगी। ये जो 4 लोग, और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में थोड़ी सी बारिश से नाले उफान पर आ गए हैं, ऐसा ही नजारा 2 विधानसभाओं के क्षेत्र के बीचों बीच हबीबगंज अंडर ब्रिज में देखने को मिला। राजधानी भोपाल में थोड़ी सी बारिश से नाला उफान पर आ गया है, ऐसा ही नजारा 2 विधानसभाओं के क्षेत्र के बीचों बीच हबीबगंज अंडर ब्रिज में देखने को मिला। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लबालब पानी से भरे रोड से गुजर रहे थे। नजारा ऐसा था कि 2 पहिया वाहनों से लेकर 4 पहिया वाहन पानी के बीच फंसे दिखाई दिए। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई थी। मौत को न्योता दे लोग बाग गुजर रहे थे, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहां पर मौजूद दिखाई नहीं दिया। अभी तो सही से बारिश शुरू भी नहीं हुई कि नगर निगम की घोर लापरवाही उजागर होने लगी, और तो और पुलिस प्रशासन का एक भी जवान चौकी के पास नहीं देखा गया। सिर्फ कागजों पर पुलिया नालियों का निर्माण नगर निगम के अधिकारियों ने कर दिया, लेकिन धरातल पर भोपाल शहर की नालियों से लेकर सड़कों की पोल खुलती नजर आए। बारिश के चलते पंचशील नगर में 4 साल का मासूम बच्चा नाले में बह गया, लेकिन इस घटना से भी प्रशासन हरकत में नहीं आया और दिन भर अंडर ब्रिज के नीचे से मौत को चुनौती देते हुए नागरिक निकलते जा रहे थे। गूंगे बहरे प्रशासन के आला अधिकारी सारा नजारा मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। क्या यही है मध्य प्रदेश की राजधानी? अधिकारियों पर सवालिया निशान लगाते हैं। साथ
कोई नहीं रहे। वो देखो जल्दी से पकड़ो आप। जी नाम बताएं आपका? अविनाश पांडे। अविनाश जी, अंडरग्राउंड क्या समस्या है? तब समस्या है, समस्या ऐसी है, ये दो विधानसभाओं को जोड़ता है, रोड के उस तरफ आप चले जाओगे तो मध्य विधानसभा, जिसमें क्या नाम है अपने विधायक है सुरेंद्र नाथ सिंह जी, और रोड के इस तरफ आ जाओगे तो गोविंदपुरा विधानसभा, यहाँ पे विधायक अपने विधायक जो है मंत्री डॉक्टर और साहब, ठीक है, और यहाँ का सांसद भी यही रहते हैं, सबों का यहाँ पे आना जाना है। इस अंडरब्रिज की स्थिति ऐसी नहीं, आज की नहीं है, इसकी स्थिति लोग कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन बरसात के समय में सबको मालूम है कि यहाँ दयनीय हो जाती है, लेकिन कोई आके देखने वाला नहीं है। जिस टाइप से अभी गाड़ियाँ फंसी हुई है, लोगों का आवागमन पूरा रुक जाता है, यहाँ तक कि ये होता है कि दो बार तो मेरी गाड़ी के अंदर पानी भर गया, मुझे तीन हज़ार रुपये दे के शोरूम के अंदर उसको पूरी सफाई करवानी पड़ी, इंजन तक के अंदर पानी बैठ जाता है। राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षक संघ समिति और कर्मचारी महागठबंधन के द्वारा 25 जुलाई को भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें वो अपनी मांग को सरकार के आगे रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षक संघ समिति और कर्मचारी महागठबंधन के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया, संविदा शिक्षकों और गुरुजियों का 30 से 40 हज़ार वेतन है, वहीं अतिथि शिक्षक पूरी मेहनत करने के बाद थोड़े से वेतन में अपना परिवार चला रहे हैं। उनकी मांग वेतन को लेकर अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की, इस कारण अतिथि शिक्षकों ने मन बनाया है कि 25 जुलाई को भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे रखेंगे। प्रतिशत रिजल्ट आ रहा है, वो अतिथि शिक्षक आज उसकी स्थिति है ये है कि मनरेगा के मजदूर से भी कम उसको 100 रुपए मिलता है, और स्थिति ये है कि हर साल नवीनीकरण प्रक्रिया होती है तो उन अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया जाता है, जबकि क्वालिफिकेशन में डीएड बीएड किए हुए हैं, नॉन डीएड बीएड भी किए हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन में वन ऑफ द बेस्ट गेस्ट टीचर्स हैं, उसके बाद भी उनको जगह नहीं मिलती है, नए नवीनीकरण प्रक्रिया करके एक बहाना बनाया जाता है और उनको बाहर कर दिया जाता है। ये हर साल हो रहा है ताकि ये लोग कोर्ट में ना खड़े हो सके, ये फाइट ना कर सके। हमारे अतिथि शिक्षक ने अभी तक सैकड़ों की तादाद में आत्महत्या कर ली है, अधेड़ उम्र में वो किसी लायक नहीं बचते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह नौकरी कर सके, क्योंकि शिक्षक होते हैं वो ना रिक्शा भी नहीं चला सकते, इस स्थिति में उनके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। कल हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ के साथ सज्जानिया पार्क में आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को नहीं माना और हम लोगों को हमारा हक नहीं दिया तो हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और सड़कों पर उतर के कुछ भी नया कर सकते हैं, जल सत्याग्रह भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ अब हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं, इसलिए हम बड़ा आंदोलन करने के लिए भोपाल में आए हैं और ये हमारा आंदोलन आर पार होगा, हमारे लिए हम अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आपने देखा था पिछली बार 60 से 70 हज़ार अतिथि शिक्षक अम्बेडकर पार्क में आया था, इस बार तादाद बच्चों और बीवी के साथ अतिथि शिक्षक आने वाला इससे बड़ी तादाद हो सकती है। आज अम्बेडकर पार्क में और हम लोगों ने दशहरा ग्राउंड की मांग की थी लेकिन हम लोगों को दिया नहीं गया, सहजानिया पार्क जिसमें आधा पानी भरा हुआ उस ग्राउंड में दिया गया है, लेकिन हम लोग सड़कों पर बैठेंगे अगर हम लोगों को हमारा हक नहीं मिला। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए ONI News India।